में जो कलेक्टिव इमदाद है या बाहिमी इमदाद है समाजी रवैयों के बारे में आपका क्या मुशाहिदा है, या और इस हवाले से ये जो संगीन सूरत हाल में जबकि मदद का जज्बा हम आम देखते हैं, हर किसी को शौक है, हर किसी का जज्बा है कि वो किसी ना किसी की मदद करे, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर मुख्तलिफ तबकात के मबैन तनाजात सामने आए हैं, इसकी अहम वजह आप क्या समझते हैं कि इसकी अहम वजह क्या है और हम अपने रवैयों में किस तरीके से तब्दीली ला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व बैतिही अजमईन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी और बहुत अहम तरीन मौजू पर प्रोग्राम किया जा रहा है। अल्लाह ताला आपको इसकी जगह खैर अता दें और हमारे इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की पूरी टीम के लिए भी मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इन सबको भी बरकत अता फरमाए। देखिए, बात यह कि हमारे यहाँ जो बाहिमी इमदाद व ताबुन के बावजूद बहरहाल रवैयों में एक ख़ास फ़र्क नज़र आता है और वो फ़र्क इतना वाज़े है कि जो तनाज़ात की तरफ चला जाता है। उसकी बुनियादी वजह जो है, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो है लैक ऑफ एजुकेशन। बुनियादी तालीम से हम महरूम हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर गौर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुनियादी चीज़ें सिखाई, एक दूसरे के साथ ताबून करना, मदद करना। इवन के अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी यहूदी ने मिसबिहेव किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उस अंदाज से जवाब नहीं दिया। आज हमारा अपना मुसलमान भाई अगर किसी भी वजह से, हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो, ब्लड प्रेशर का शिकार हो, वो मिसबिहेव कर रहा होता है तो उससे ज़्यादा बढ़कर मिसबिहेव कर रहा होता। ये अलग बात है कि हम ताबुन का, इमदाद का जज्बा रखते हैं, लेकिन जो हमारे दरमियान तनाज़ात हैं उनकी बुनियादी वजह जो है इल्म की कमी है, मालूमात की कमी है, और उस मालूमात की कमी की वजह से तालीम भी है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई, डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब की फिक्र बहुत आला है कि इल्म तो ठीक है, काले हरूफ का नाम इल्म नहीं होता, इन काले हरूफ के पीछे छुपे हुए जो नूर है उस नूर को समझने की ज़रूरत है। तो हम ये समझते हैं कि अगर माशरे के अंदर जो इस वक्त हमें माशरा तितर बितर हुआ है, बिखरा हुआ है, इसको संवारने के लिए, इसको समेटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है तरबियत। इन काले हरूफ के पीछे छुपे हुए नूर को समझने की ज़रूरत है, मदद का मफहूम समझने की ज़रूरत है। मदद का मफहूम ये नहीं है कि किसी बूढ़े के पेट में आप निवारा डाल लें, बल्कि मदद का मफहूम ये है कि उसकी इंसानियत की बुनियाद पर उसकी मदद करें, बगैर किसी तफरीक मज़हब और नस्ल के, रंग के, आप उसकी ऐसी मदद करें कि जिससे वो आपका गर्विदा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। हम देखते हैं कि आप ऐसी मदद फरमाते थे कि लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे, दीन अपना मज़हब छोड़ देते थे, अपना अकीदा नज़रिया छोड़ देते। तो आज हम लोगों के अंदर वो बात नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कम से कम अपने रवैयों पर एक मरतबा फिर से गौर करना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन बातें स्ट्रॉन्ग पे खड़े हो रहे थे। खुदा करे 101 कराची स्टूडियोज़ को अल्लाह तबारक तआला ने हमेशा से ही, सर फैमिली चैनल है ये और हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं। फैमिली चैनल का मतलब कि तरबियत का ठीक है बेड़ा नहीं उठाया, लेकिन कुछ कुछ अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं। अगला सवाल मोहसिन नकवी डॉक्टर साहब आपसे। डॉक्टर मोहसिन नकवी सर, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मजमू तौर पर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, इस बारे में डॉक्टर हाशमी साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हम कैसे मिलकर इस वबा से नबरदाजमा हो सकते हैं?